दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मामला अतिथियों को लेकर है। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों पर अतिथि शिक्षक और स्कूलों पर अतिथि शिक्षक दोनों जगह काम करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग यानी कॉलेजों पर काम करने वाले जो अतिथि होते हैं उनको अतिथि विद्वान कहते हैं, और जो स्कूलों पर काम करते हैं उन अतिथियों को अतिथि शिक्षक कहते हैं। दोनों का नियम वगैरह समान ही लगभग रहता है, लेकिन जब भर्तियों की बारी आती है तो दोनों ही वर्गों के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत कॉलेज के अतिथि विद्वानों को मिली है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा आदेश, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट, बड़ी राहत मध्य प्रदेश के अतिथियों के लिए। हाई कोर्ट से बड़ी राहत है, पुराने अतिथि शिक्षकों को हटा, नई भर्ती का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पूरा अपडेट आपके यहाँ पर बताएंगे। लगातार मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। अतिथि विद्वान कॉलेज में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को कहा जाता है, और साथ ही अतिथि शिक्षक जो स्कूलों पर काम करते हैं। ये पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और ज्यादा कर दीजिएगा। पूरा अपडेट ग्वालियर से है। हाई कोर्ट ग्वालियर की एकल पीठ ने उच्च शिक्षा विभाग यानी अतिथि विद्वानों का मामला है। उच्च शिक्षा विभाग के 17 दिसंबर 2019 को जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए भर्ती की जानी थी। यानी अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे 2023 दिसंबर के महीने में यहां पर अतिथि विद्वानों की भर्ती हो रही है, और अतिथि विद्वान जिनका भर्ती में नाम नहीं आया था पुराने अतिथि शिक्षक होने के अतिथि विद्वान होने के बावजूद भी, तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। यहां पर पूरा अपडेट आपको मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शासन पुरानों को हटाकर नए भर्ती नहीं कर सकता है। यदि शासन के पास अतिरिक्त सीट है तो उन पर भर्ती की जा सकती है। इस आदेश से अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत मिल गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के आदेश को राकेश सिंह जाटव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और जिसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव समाधिया ने तर्क दिया था कि शासन के आदेश में पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, साथ ही उनके अनुभव को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। नई भर्ती के लिए अतिरिक्त पद जनरेट नहीं किए गए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता नई भर्ती प्रक्रिया में भी योग्य था, वहीं लेकिन शासन ने उसे प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। शासन की ओर से विरोध करते हुए यह भी कहा गया कि नई भर्ती का शासन के पास अधिकार है, जो अच्छे शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जा रही है। कोर्ट ने दोनों को सुनने के बाद आदेश निरस्त कर दिया है। यानी सीधी तौर पर अतिथि विद्वान की तरफ जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर का फैसला है, और जो नोटिफिकेशन आया था कॉलेज में अतिथि विद्वानों को नियुक्त करने का, उसको नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया है। ये यहाँ पर 2019 में यह नोटिफिकेशन आया था, जो नियम थे विभागीय अतिथि विद्वानों के लिए। अभी 2023 दिसंबर लास्ट माह में अतिथि विद्वानों की भर्ती पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों पर हो रही है, लेकिन पुराने जो अतिथि हैं उनमें से बहुत सारे अतिथि विद्वानों को इस भर्ती में शामिल होने ही नहीं दिया गया है, और उनको प्राथमिकता न मिलने के कारण उनका नाम नहीं आया। इससे परेशान इन अतिथि विद्वानों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सहारा लिया है, और उनकी तरफ से उनके पक्ष में फैसला आया है। बेशक ही यह उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है। ये सभी जो अतिथि विद्वान हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए सभी के लिए एक नया रास्ता है। यानी अब उनको यहाँ पर हटाया नहीं जाएगा कभी भी। तो यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।